ये वीडियो जिन्होंने सब ये वीडियो देखा है सबने तो मजे लिए, किसी ने कन्वर्सेशन पे ध्यान नहीं दिया। अगर कन्वर्सेशन पे ध्यान दोगे तो वीडियो वहीं पे खुलासा कर देगा कि ये वीडियो किसके पास था। ये वीडियो उसी के फ़ोन पे था, उसी हम दोनों की रजामंदी से वीडियो बनाया गया था, लेकिन फ़ोन उसका था। हेलो, हाँ त्रिशा बोल रही हो? हाँ कौन? सैंडी बोल रहे हैं। त्रिशा बोल रही हो? बोल रही हूँ। अच्छा बोल रहा है, ये क्या क्या नौटंकी शुरू है सबका यार, बार बार मेरे को कॉल करके पूछ रहा है वीडियो वायरल हुआ ये हुआ, क्या है ये सब? मुझे कॉल करके पूछ रहा है कि तुम त्रिशा का वीडियो क्यों वायरल किया। हम बोले कौन सा वीडियो, मेरे पास कौन सा वीडियो है तुम्हारा? क्यों उन लोगों से बात करो, हमको क्यों फोन किया? मुझे न्यू टाउन वाला फ्लाइट में आप बनवाए थे। अरे तो वो तो तुम्हारे पास है, मेरे पास कहाँ है? वो तो तुम्हारे त्रिशा कौर के नाम पर ही मैंने FIR किया, जहाँ तक कि बंगाल में किसने किया। क्या लगता है सैंडी आपको कि इसको वायरल वाकई में किसने किया होगा? इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होगा, इन्होंने खुद किया है, ये पब्लिक स्टंट के लिए किया है। ये मुझे पता कि कोई नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया इसके बारे में। अगर मैं वायरल किया हूँ ना, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ त्रिशा मेरे ऊपर तुम FIR करो, एक बार तुम FIR करके देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारे काम मेरे बंद हैं, क्योंकि इस वायरल के होने के बाद कोई मुझसे जुड़ना नहीं चाहता, ना कोई मेरे साथ काम करना चाहता। दूसरा, मैं अपने फैमिली में प्लस अपनी माँ अपने भाई अपने बहनों के सामने सर उठाकर बात नहीं कर सकता। बाहर मैं जाता हूँ अपने फ्रेंड सर्किल के साथ मिल नहीं सकता। अच्छा, अपना शुरू किया और आज एक मूवी साइन कर रही है, तो कितना जमीन आसमान का फर्क नहीं है। उनको TRP नहीं मिला, ऐसे ही कोई स्टेज शो करने वाली पहुंच जाएगी फिल्म बनाने, ये तो पब्लिक स्टंट ही था। आज जो करके आप धीरे धीरे अपना सीढ़ी चढ़ते गए, उनके किसी भी स्टेटमेंट में तो मुझे विश्वास नहीं है। वो इतना स्टेटमेंट दिए है ना, मैंने सब सुना, उनका सारा स्टेटमेंट सुना, लेकिन किसी पे मुझे ट्रस्ट नहीं है। और वो जो रोना मगरमच्छ के आंसू, वो तो मैं कब से देख रहा हूँ। मुझे हर एक बात उनका याद है, जब जो जो मेरे को बोलती थी ना, मैं सोचता था कि वो मतलब लाइटली है। उसके लाइफ में एक और बंदा था मेरे साथ रहते हुए भी, ये चीज़ मुझे जब भी उठता था ना इस वीडियो के बाद, वायरल होने के बाद मैं जब भी जाता था बाहर, तो मुझे ना ऐसा लगता था कि ना अभी वो बंदा मेरे को कुछ पूछेगा, अभी वो मुझे टोकेगा, मतलब एकदम अजीब समय हो गया था। नमस्कार प्रणाम, लाइव लॉन्ग न्यूज आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू रहे। जी हाँ, लाइव लॉन्ग न्यूज सच अभी बाकी है। हर बार कोशिश रहती है एक सच को दिखाने की, और खासकर उस सच को दिखाने की जो सच वाकई में बाकी होता है। जी हाँ, इस बार फिर से आप लोगों के बीच लेकर एक ऐसा सच लेकर आ रही हूँ जिसको जानकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे, और साथ ही इसके बारे में जानकर शायद आपके पैर के तले की जमी भी खिसक सकती है, क्योंकि जब मुझे पता चला था तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक लड़की जिसका सफ़र शुरू होता है वेस्ट बंगाल से। जी हाँ, वेस्ट बंगाल आप अच्छे से जानते होंगे, वेस्ट बंगाल से स्टेज शो डांसर के रूप में, और फिर वो भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री करती है और एल्बम्स करने लगती है। एल्बम्स करते करते उसके एल्बम्स पॉपुलर होने लगते हैं, और फिर अचानक से उसका एक MMS वायरल होता है। MMS वायरल होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी चीज़ें उछाल में आती है, बहुत सारे लोग बहुत सारे सारे तरीके की बातें करते हैं। उसके बाद फिर से वह एक बार अपने आप को उस रुख में मोड़ती है और फिर से वो री इंटर करती है अपने उसी भोजपुरी इंडस्ट्री के लाइफ में, और अब वह फिल्मों की सफर तक पहुँच चुकी हैं। जी हाँ, अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे, मैं बात कर रही हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री की हॉट एक्ट्रेस त्रिशाकर मधु का, जो कि शुरू करती है सफ़र बंगाल से और आज भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने माने कलाकार के रूप में जानी जा रही है, और हाल में मूवीज भी साइन कर चुकी है जो कि अभी वो फिलहाल शूट कर रही हैं। अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपको बहुत हैरानी होने वाली है। वो शख्स कोई और नहीं, जिस MMS की बात हमने अभी अभी आपसे की थी, जो MMS वायरल होता है, उस वायरल वीडियो में त्रिशाकर मधु के साथ मौजूद एक और शख्स है। उस शख्स से आपको हम मिलवाएंगे, आइए हमारे साथ।
हमारे साथ हैं सैंडी नाम है इनका, वायरल वीडियो में यही व्यक्ति उस त्रिशा कर मधु के साथ थे। बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी है और बहुत सारे सवाल हमारे जहन में हैं। आज सारी सवालों का खुलासा करेंगे और पूरे मामले का खुलासा करेंगे, आखिर क्या है इसके पीछे का सच। सैंडी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आप लोगों का भी बहुत स्वागत है कि आप लोगों ने समझा मुझे और मेरा हेल्प कर रहे हो, मेरी बातें सारी दुनिया को बता रहे हो। सैंडी बहुत बड़ा सवाल है आपसे, बहुत कड़क सवाल है आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो नॉर्मली अगर किसी लड़की के साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार ज़्यादातर लड़के ही होते हैं। आखिर क्या कारण रहा जो आपने उस वीडियो को वायरल किया? मैडम पहली बात तो ये बताइए मुझे, आपने ये जो पूछा मुझसे कि क्या कारण था उस वीडियो को मैंने वायरल किया, ये आपको किसने कहा? ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि सारे लोग, भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे लोगों का यही कहना है उस वीडियो को वायरल करने में आपका हाथ है। इनफैक्ट त्रिशा कर मधु ने भी बहुत सारे इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया है कि उसका जीमेल हैक करके उस वीडियो को वायरल किया गया और उस वीडियो में उसके साथ आप हो, तो ब्लेम डायरेक्टली आप पे जाता है, इसलिए हमने आपसे ये सवाल किए। तो क्या उस वीडियो में मैं हूँ? बिल्कुल हूँ। तो मैं, मुझे क्या अपनी इज्जत प्यारी नहीं? बिल्कुल। तो उस वीडियो को मैं क्यों वायरल करूँगा और मेरे पास रीज़न क्या है वायरल करने का, जबकि मैं उससे कांटेक्ट मेरा ख़त्म हुआ 4 साल हो गया, कोई सीन नहीं था। अगर मुझे उसको उससे कुछ ब्लैकमेल करना था या उसके फेम के वजह से मुझे उसके पास जाना था, रिटर्न जाना था, तो ये सब चीज़ मैं 4 साल बाद क्यों करूँ? लेकिन उस 3 सालों में जब वो वायरल होने लगी थी, पॉपुलर होने लगी थी, 1-2 गाना उनका हिट हुआ था राकेश मिश्रा के साथ, जो गाना बहुत पॉपुलर रहा था मार्केट में, उसके बाद ये वीडियो वायरल होता है। आपने अगर नहीं किया तो फिर किसने किया? कैसे आप कह सकते हैं कि आपने नहीं किया? अगर ये वीडियो जिन्होंने सब ये वीडियो देखा है, सब ने तो मज़े लिए, किसी ने कन्वर्सेशन पर ध्यान नहीं दिया। अगर कन्वर्सेशन पर ध्यान दोगे तो वीडियो वहीं पर खुलासा कर देगा कि ये वीडियो किसके पास था। ये वीडियो उसी के फ़ोन पे था, उसी, हम दोनों की रजामंदी से वीडियो बनाया गया था, लेकिन फ़ोन उसका था। मेरे ब्रेकअप के बाद, हमारे ब्रेकअप के बाद, मैंने उससे इस वीडियो के बारे में किसी भी तरीका से कोई भी जिक्र नहीं किया, ना मैंने उससे कभी लेने की कोशिश की, ना कुछ भी किया। ये वीडियो उसी के फ़ोन पे ही था और ये मुझे 100% पता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि सब बोल रहे हैं कि मैं वायरल करूँगा, मैं वायरल किया हूँ, मैं जीमेल हैक कर लिया। क्या आप लोगों को लगता है कि मैं जीमेल हैक करने वाला वैसा बंदा हूँ? आपके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, तो इस बात को तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकती हूँ कि आप कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ। अच्छा एक बात बताइए हमें, जब आपने नहीं किया तो कोई लड़की ऐसा कभी नहीं कर सकती है कि वो अपना इस तरीके का वीडियो वायरल करे, वो क्यों करेगी अपना ये वीडियो, इससे उसे क्या फ़ायदा होगा? उनकी तो इंसल्ट हो रही है, बदनामी हो रही है, टीआरपी तो मिल रहा है, फेम तो मिल रहा है। चाहे आप कान ऐसे पकड़ो, चाहे कान घुमा कर पकड़ो, उनको तो फिर भी फ़ायदा ही है। अब अगर उनको फ़ायदा नहीं होता तो उनके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद वो कैसे छोड़ सकते? वो उन्होंने अभी तक लीगल स्टेप क्यों नहीं लिया? वो कहती हैं कि जीमेल हैक करके ये कर लिए, मेरा सब, मैंने लास्ट इंटरव्यू देखा था उनका, उस इंटरव्यू में उसने कहा कि मेरा जीमेल हैक करके मेरा सारा वीडियोस वायरल किया गया, ये का मेरा, इनफैक्ट उनका अकाउंट का डिटेल तक 3rd पर्सन के पास जाता है। तो भाई कौन ऐसा इंसान है जो इतना कुछ होने के बावजूद भी शांत बैठ सकता है, एक भी लीगल स्टेप नहीं किया? अच्छा तो आप बोल रहे हैं कि आपने नहीं किया, तो क्या आपने लीगल स्टेप लिया? जी हाँ। क्या लीगल स्टेप लिया? मैंने उस त्रिशा कौर के नाम पर ही मैंने FIR किया। जहाँ तक कि बंगाल में, मुझे तो समझ में नहीं आया था कि ये चीज़ हो कह रहा है मेरे साथ। मुझे रेंडमली कॉल आते हैं, मुझे त्रिशा के बारे में पूछे जाते हैं, क्यों भाई क्यों पूछते हैं मेरे से? मेरे लाइफ में वो कोई मैटर नहीं रखती थी और ना ही रखती है नाउ स्टिल। ऐसी लड़कियां जो खुद का MMS वायरल कर रही हैं, यार ये पहली बात ना माई जी, ये एक माइंडसेट है सबका। ऐसा कुछ भी चीज़ आता है सामने ना, तो सब कहते हैं कि यह जरूर है लड़के के हाथ है, लड़के ने किया है। क्यों भाई लड़के के ऊपर सब डाउट करते हैं? लड़कियों पे क्यों नहीं डाउट करते? लड़कियां क्या दूध की धुली हुई हैं? क्या वो क्या करती हैं नहीं करती किसी को पता नहीं है? बहुत हैं जो अच्छी हैं, लेकिन उनकी वजह से ये बदनाम होती हैं। अजय त्रिशा कौर, मैं अभी कुछ ज़्यादा, मतलब उसका बार बार नाम लेने से ना मुझे अंदर से एक अजीब सा गुस्सापन जो होता है ना वो निकल रहा है। तो
तो शायद मैं कुछ और ज़्यादा बोल दूँ, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ ज़्यादा कुछ भी उसके बारे में। मैं सिर्फ इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ कि पहली बात, पहला पॉइंट मेरा ये कि ये वीडियो वायरल करने में मेरी कोई हाथ नहीं है। मैंने उससे कॉन्टैक्ट तक नहीं किया। मैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था जब उसने मतलब मेरे साथ रिलेशन ख़त्म कर दिया, चले गए गए, आप जाओ, आप अपने लाइफ में जियो, मुझे अपने लाइफ में जीने दो। मैंने जब आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, आपको कोई पॉइंट का किसी जगह मैंने आपको रोका नहीं, तो फिर आपने मेरे इमेज को धज्जिया क्यों उड़ाया? आज सब मेरे ऊपर ब्लेम आउट कर रहे हैं, मुझे उंगली उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? अच्छा, इतने दिनों से आप शांत क्यों बैठे होते? इतने दिनों बाद आपने इस बात को मीडिया में रखना क्यों ज़रूरी समझा? मैं ये मीडिया से मैं बहुत पहले ही कॉन्टैक्ट कर लेता, बट थोड़ा लीगल प्रोसेस की वजह से मैं नहीं कर रहा था कॉन्टैक्ट। लेकिन जहाँ मैंने देखा कि नहीं, मुझे अब कॉन्टैक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैटर हाथ से जा रहा है, क्योंकि मैं फेस आउट नहीं कर पा रहा हूँ किसी को भी, ना ही अपने फ्रेंड सर्किल को फेस आउट कर पाता हूँ, ना अपने फैमिली को फेस आउट कर पाता हूँ, ना अपने करियर को, किसी भी जगह मैं फेस आउट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से एक गिल्टी लगता है कि मैंने अपने लाइफ में इस त्रिशा कौर को एंट्री देकर बहुत ही वाहियात हरकत किया था, जिस वजह से आज मुझे सर उठा के मतलब चलना भी मुझे ना, मैं क्या बोलूँ, आप मतलब आप लोग को समझ में आता ही होगा कि अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ। लेकिन मैं बात मुझे बताइएगा माई जी, अगर मैंने ये वीडियो वायरल, मैं खुद से अगर ये वीडियो वायरल करता, तो मैं त्रिशा को इन्फॉर्म मतलब कॉल क्यों करता? मैं उसके फैमिली को कॉल क्यों करता? मैं लीगल स्टेप क्यों लेता? मैं कंटिन्यू इस वायरल के बाद मैं कंटिन्यू उसके फैमिली को कॉल किया हूँ, उसके फैमिली ने मेरा कॉल रिजेक्ट लिस्ट में डाला है। इस बात का प्रूफ है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास प्रूफ है। मैंने मैसेज तक किया, फेसबुक पे किया, इंस्टा में किया, व्हाट्सअप में किया, सब जगह मैंने मैसेज किया, एंड नॉर्मल टेक्स्ट तक मैंने किया, बट एक भी रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। अगर मैं वायरल करता तो वो तो ऑब्वियसली मेरे ऊपर एक्शन ले लेती लेती ना, मुझे कॉल करती कि तुमने ये वायरल क्यों किया, तुमने क्यों हमारा वीडियो को ये रखा, ये समथिंग। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं उनकी तरफ से, वो तो अभी आराम से अपना शूटिंग कर रही हैं, एल्बम बना रही हैं, मूवी साइन कर रही हैं, जैसा उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा, इसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ, आपको किस तरह से क्या फेसेस करने पड़ रहे हैं आपके लाइफ में? पहला तो मेरा जॉब सेक्टर ख़त्म, क्योंकि मैं अभी बिलोंग करता हूँ इवेंट से ही। मैं अभी कोऑर्डिनेटर का जो मतलब वर्क है मेरा, इवेंट मैनेजमेंट का वर्क है मेरा, ये सारे काम मेरे बंद हैं, क्योंकि इस वायरल के होने के बाद कोई मुझसे जुड़ना नहीं चाहता, ना कोई मेरे साथ काम करना चाहता। दूसरा, मैं अपने फैमिली में प्लस अपनी माँ, अपने भाई, अपने बहनों के सामने सर उठाकर बात नहीं कर सकता। बाहर मैं जाता हूँ, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ मिल नहीं सकता। अच्छा, कितने साल पहले आपका ब्रेकअप हुआ था रिक्शा से? ये करीबन आई थिंक 2018 में हुआ था, मुझे आज भी याद है, 2018 में हुआ था, दिसंबर का हुआ। क्या कारण क्या था ब्रेकअप होने का? कारण उनका 5 मिनट का झूठ, मेरा 10 मिनट का गुस्सा, यही एक रीज़न था। नॉर्मली तो ऐसा पॉसिबल नहीं। शायद उस ब्रेकअप का भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उस ब्रेकअप का भी रिकॉर्डिंग है। और हाँ, रिकॉर्डिंग से मेरे को याद आया कि मुझे एक रेंडमली कॉल आया सौरभ प्रधान के नाम से, जिसने मुझे इस वीडियो के बारे में बताया, तो मैंने उसका भी रिकॉर्डिंग रखा, और मैंने त्रिशा कौर का भी रिकॉर्डिंग रखा। जब मैंने उसको कॉल किया इस वीडियो वायरल के बारे में, मैं जब उससे पूछा, तो उनका जो रिएक्शन आया, तो मैं मुझे सुनकर तो अजीब लगा कि किसी का अगर इज्जत उछल रहा है, और वो इतने पोलाइटनेस से कह रहे हैं कि मुझे कंट्रोवर्सी में मत डालना, आपको फोन आ रहा है, आप समझो। अगर मैं वायरल करता तो वो डायरेक्ट मेरे ऊपर चार्ज कर देती, तो वो मेरे से ऐसा बात क्यों करती? अगर प्रूफ आप मांगते हो तो सुनना है, मैं सुना सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुनेंगे भाई, और दर्शकों को भी सुनाएंगे, क्योंकि अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि नॉर्मली जब भी हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में ऐसा कुछ भी होता है, तो लोगों की ये मेंटेलिटी होती है कि उन्हें ये लगता है कि लड़कियाँ सही है। कहीं कहीं पे होती भी हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि लड़कियाँ सही ना हों। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि ये जो सैंडी हमारे साथ, हमारे बीच अभी बैठे हुए हैं,
जिनसे हमने आपको परिचित कराया, इनको कॉल मैंने नहीं किया था। इनफैक्ट इन्होंने हमें कॉल किया और इन्होंने बताया कि इनके साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ। फर्स्ट टाइम हमें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अभी मैं प्ले करूंगी, अब वीडियो में आप देख सकते हो उस रिकॉर्डिंग को, मैं सुनाऊंगी जो यो इन्होंने हमें सुनाया था। सैंडी जी, आपके पास वो रिकॉर्डिंग होगा। इस रिकॉर्डिंग को सुनकर आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि वाकई में कौन गलत हो सकता है और कौन सही हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, नहीं हो सकता है। कुछ तो मिस्ट्री है इसके पीछे, जहां तक लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और साथ ही जो भी कारण हो सकता है, कहीं ना कहीं उस कारण से त्रिशा और मधु का रिलेशन तो जरूर है। ये खुलासा तो वही कर पाएंगी। बहरहाल मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ। हेलो हेलो, हाँ त्रिशा बोल रही हो? हाँ कौन? सैंडी बोल रहे हैं। त्रिशा बोल रही हो? बोल रही हूँ। अच्छा बोल रहा है, ये क्या नौटंकी शुरू है सबका यार, बार बार मेरे को कॉल करके पूछ रहा है, वीडियो वायरल हुआ, ये हुआ, क्या है ये सब? मुझे कॉल करके पूछ रहा है कि तुम त्रिशा का वीडियो क्यों वायरल किया। हम बोले कौन सा वीडियो, मेरे पास कौन सा वीडियो है तुम्हारा? क्यों उन लोगों से बात करो, हमको क्यों फोन किया? मुझे न्यू टाउन वाला फ्लैट में आप बनवाए थे। अरे तो वो तो तुम्हारे पास है, मेरे पास कहाँ है? वो तो तुम्हारे फोन में था, तुम्हारे फोन में हुआ था, तो मेरे पास। तो आप इस ऑडियो में साफ तौर पे सुन सकते हैं कि इन्होंने त्रिशा कर मधु को कॉल किया। इस बात का रिकॉर्ड लिस्ट भी इनके पास आई होप होगा ही, जिस जो इन्होंने इधर से कॉल किया होगा। वो तो आम बातें हैं, फोन में कोई भी करता है तो वो पता चल जाता है कि फोन किधर से किया गया। इसमें कोई छुपाने वाली बात और झूठ बोलने वाली बात है नहीं। मैंने भी देखा इनके फोन में, फोन इधर से किया गया है। अब आप समझ सकते हो कि किसी भी लड़की को फोन करके ये बताया जाए कि हमारे पास कॉल आ रहा है कि हमारा कोई वीडियो वायरल हो रहा है, और उसका इतना पोलाइटली से और इतना नॉर्मली जवाब देना, साफ तौर पे इस चीज का प्रूफ है, प्रमाण है कि जरूर दाल में कुछ काला है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें छुपी हुई है जो कि लड़की या फिर जो भी है थर्ड पर्सन, वो जान रहा है इस चीज को। अब मिस्ट्री, अब मामला ये उठता है कि आखिर इसको वायरल किसने किया? क्या लगता है सैंडी आपको कि इसको वायरल वाकई में किसने किया होगा? इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होगा। इन्होंने खुद किया है, ये पब्लिक स्टंट के लिए किया है, ये मुझे पता, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर मैंने फॉलो किए थे जब ये वीडियो वायरल हुआ था। मैं इनका सब्सक्राइबर देखा था, उस दिन 900 समथिंग का कुछ सब्सक्राइबर था, उसका स्क्रीनशॉट मैंने लेकर रखा है जी। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे जैसे जैसे इनका यूट्यूब चैनल को फॉलो करते जा रहा हूँ, तो इनका सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़े जा रहा है। तो भाई अगर आपका सब्सक्राइबर कहाँ से बढ़ रहा है, आपको फेम मिल रहा है ना इसके पहले, क्योंकि आप एल्बम बनाए हो, काम किए हो, आपको फेम नहीं मिला। ये वीडियो वायरल करने के बाद आपको फेम मिल रहा है, आज आपको लोग लाखों लोग जान रहे हैं, करोड़ों लोग जान रहे हैं, और उसका आप फायदा उठा रहे हो। देखिए जो मतलब यहाँ पे डांस करती थी ना, वो मैं उनसे मिला था जब पहली बार, तो शोज था, मतलब काली पूजा समथिंग था, काली पूजा का वो स्टेज शो कर रही थी। आज वहाँ से उन्होंने सफ़र अपना शुरू किया और आज एक मूवी साइन कर रही है, तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। उनको TRP नहीं मिला। ऐसे ही कोई स्टेज शो करने वाली पहुँच जाएगी फिल्म बनाने, ये तो पब्लिक स्टंट ही था। आज जो उन्होंने करके आप धीरे धीरे अपना सीढ़ी चढ़ते गए और आज मुकाम पे है। यार ये इंटरव्यू देना मेरा, मैं इसलिए ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे कोई फेम उनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ सच बताना है और मुझे मेरे अंदर का भड़ास निकालना है कि मेरे अंदर क्या चला है इस वीडियो वायरल होने के बाद। मेरे साथ मैं पूरा अंदर से झिझोड़ा हुआ था। तुम करो ना भाई, तुम फिल्म बनाओ ना, तुम हॉलीवुड फिल्म बनाओ, बॉलीवुड फिल्म बनाओ, हमको कोई मतलब नहीं। मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, मुझे इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था इसमें। मैं जब तुमसे कोई मतलब नहीं रखता था तो मेरा नाम नहीं लाना चाहिए था। और अच्छा एक सवाल और मेरा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आजकल हम लोग सबको ये एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन, हाई सिक्योरिटी फ़ोन रखते हैं, ठीक है? विदाउट मेरे परमिशन क्या आप मेरे फ़ोन को फ़ोन से कुछ भी निकाल सकते हो? मेरा लॉक का स्क्रीन खोल सकते हो? आप मेरा फ़ोन को खोलने के लिए क्या करोगे? फ़ोन को फॉर्मेट मारोगे? फ़ोन फॉर्मेट मारोगे तो यार ऑटोमेटिकली सब कुछ उड़ जाएगा। तो थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ है नहीं, ये खुद मिली भगत है या उन्होंने खुद से किया। उनके किसी भी स्टेटमेंट में तो मुझे विश्वास नहीं है। वो इतना स्टेटमेंट दिए है ना, मैंने सब सुना, उनका सारा स्टेटमेंट सुना,
इन किसी पे मुझे ट्रस्ट नहीं है। और वो जो रोना मगरमच्छ के आंसू, वो तो मैं कब से देख रहा हूँ। और मुझे हर एक बात उनका याद है, जब जो जो मेरे को बोलती थी ना, मैं सोचता था कि वो मतलब लाइटली है, वो जो सपने में हंसी मजाक चल रहा है। अच्छा, लगभग कितने दिनों का रिलेशनशिप था आपका? देखिए, हमारा रिलेशनशिप तो ज़्यादा दिन नहीं चला था। हम लोग मिले थे शायद नवंबर अक्टूबर के टाइम में मिले थे, और उस बीच तक मतलब इतना हमारे अंदर रिलेशन हमारा गहरा हो गया था, फैमिली तक बात चले गया था, हमारी शादी तक भी फिक्स हुई थी। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करना है। तो उन्होंने जब शादी नहीं करना है, तो फिर मैंने भी फोर्स नहीं किया कि ठीक है चलो, ये फोर्स नहीं किया, यहीं मैं चुप गया। अगर मैं शादी कर लेता तो आज इतना ये सब सीन, इतना सिचुएशन ही नहीं होता। मैं वहाँ पे शांत हो गया, मैंने नहीं किया। उन्होंने ना कहा तो मैंने भी फोर्स नहीं किया। अच्छा, जब आपका ब्रेकअप हो गया था, तो फिर दोबारा से आपने उस मतलब उनको वापस आने के लिए, या फिर उसने आपके लाइफ में आने की कभी कोशिश नहीं की? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। क्या कारण रहा कि इतना अच्छा और इतना गहरा रिलेशन इतनी आसानी से नॉर्मली नहीं टूटता है, तो फिर क्यों इतना आसानी से टूट गया और फिर आप दोनों ने एक दूसरे के लाइफ में वापस आने का कोशिश नहीं की? लव में ना एंगल होता है हर एक रिलेशन में, लेकिन हमारा ब्रेकअप जब हुआ ना, वहाँ एंगल नहीं था, वहाँ ट्रायंगल था। क्या मतलब है आपका इसका? उसके लाइफ में एक और बंदा था मेरे साथ रहते हुए भी। ये चीज़ मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला, जब उस शख्स ने मुझे खुद अपने मुंह से बताया था कि मेरे होते हुए भी मैं था। और ये था हमारा 5 मिनट का जो झूठ था उनका ना, मेरे को झूठ कही थी कि मैं यहाँ, मेरा तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं आपसे मिल सकती, बस ये बात। और मेरे गुस्सा में ही हमारा ब्रेकअप हुआ, कोई रीज़न नहीं। मैंने बहुत बार कोशिश भी किया कि हम लोग सब कुछ ठीक कर लें, चलो मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, मैं नहीं होऊंगा, मैं कोशिश करूंगा अपने आप को बदलने का। लेकिन फिर उन्होंने अपने मतलब पूरे फुल मूव ऑन कर दिया। आप एक आदमी को कितना बोलो, प्यार भाई छीन के थोड़ी ना लिया जा सकता है। जब तक आप मन से दोगे नहीं, तो छीन के तो मुझे चाहिए नहीं। जब तक आपने मन से दिया, मैंने मन से दिया, फिर जिस दिन आप मेरे मन से उतर गए, मैं भी आपको नहीं देख रहा, ना आपके बारे में पता कर रहा, ना आपके आसपास के किसी लोग से कॉन्टैक्ट कर रहा। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं बता रहा हूँ कि इस इंटरव्यू जो अभी ये चीज़ आप लोग मतलब वायरल जब करोगे, वायरल दैट मीन्स कि जब इसको रिलीज़ करोगे ना, वो देखेंगे, देखने के बाद वो ये कहेंगी कि ये मेरे मतलब मेरे फेम से जल रहा है, मेरे किया मैं फिल्म मिल गया, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ली, तो ये मुझे गिराने की साजिश कर रहा है। लेकिन भाई वो तो अब सबको, अब खुद पब्लिक आजकल यार चालाक हो ही गई है, वो खुद समझ जाएंगे कि मैं उनको क्या गिराना चाहता हूँ, या मैं सच बताना चाहता हूँ, या मैं अपने हक की बात करना चाहता हूँ। तो अभी आपने मानहानि का केस किया है, क्या उसमें मेंशन किया है, लीगली क्या क्या मेंशन किया आपने उसमें? उसमें मैंने मेंशन, देखो कैसे मानहानि सेक्शन 66 मैंने उनके ऊपर लगाया, ठीक है। अब उसमें मेंशन ये किया कि उन्होंने मेरे इमेज को सोशल मीडिया में जिस तरह से मतलब वायरल किया, वो गलत है। क्या लगता है इस वीडियो के वायरल होने के बाद समाज में आपका जो पहले रिपोर्टेशन था, इज्जत था, वापस मिल पाया? Who's know? किसको पता कि वो रिपोर्टेशन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इज्जत मुझे फिर से दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे साथ सब लोग फिर से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ये तो मैं नहीं बता। आगे कैसे सर्वाइव करोगे आप अपनी जिंदगी? अब कैसे क्या सर्वाइव, कहीं ना कहीं नॉर्मली एक इंसान का जिंदगी यही होता है कि आगे चल के उसकी शादी वादी होती है। जब लड़की जब चली गई आपके लाइफ से, किसी ना किसी लड़की को लाइफ में लाना रहता है। क्या लगता है, कोई भी अच्छे परिवार की लड़की आपके लाइफ में आना इस चीज़ की बात पसंद करेगी, या फिर कोई देना अपनी बेटी को पसंद करेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करेगा। आपने कहा कि आपने नहीं किया इस वीडियो को वायरल, तो रह गए वीडियो का बात कि उनके पास उन्होंने वायरल किया, आपका ये कहना है, तो इस बात को लेकर उन्होंने अभी तक आपके ऊपर कोई एक्शन वैक्शन लिया है? नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया इसके बारे में। अगर मैं वायरल किया हूँ ना, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, त्रिशा मेरे ऊपर तुम FIR करो, एक बार तुम FIR करके देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पुलिस तक जाए तो बात। और तुम
आपको भी पता है कि लड़की अगर किसी पर FIR करती है तो पुलिस कितने तेजी से एक्शन लेती है, लेंगे वो मेरे ऊपर भी लेंगे, मुझे कोई डर नहीं है। मैं अगर किया होता तो मैं फेस ही नहीं करता इतना कुछ मैं फेस ही नहीं करता। अब पुलिस ट्रेस करे, FIR करने से ट्रेस करे तो मुझे तो और अच्छा रहेगा मेरे लिए, कि उस IP एड्रेस तो ट्रेस होगा ना कि किसने किया है। अगर उसमें तो इन्वॉल्वमेंट इनका है ही है, वो तो मुझे पता ही है यार, क्या इनको बार बार मैं बोल। और ये वीडियो मतलब ये इंटरव्यू देने का रीज़न मेरा ये भी है ना माई जी, कि देखो मैं क्या फेस आउट किया हूँ, पता नहीं वो क्या फेस आउट किए हैं, नहीं कि मैंने सुना है कि कुछ भी वो ऐसा ऐसा था ब्ला 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 उनका, रहने दो। बट मैंने जो फेस आउट किया मैं वो आपको बताता हूँ। मैं सुबह जब भी उठता था ना इस वीडियो के बाद, वायरल होने के बाद, मैं जब भी जाता था बाहर तो मुझे ना ऐसा लगता था कि ना अभी वो बंदा मेरे को कुछ पूछेगा, अभी वो मुझसे मुझे टोकेगा, मतलब एकदम अजीब से मैं हो गया था। मतलब कैसे मैं डिस्क्राइब करूँ उस चीज़ को। एक चीज़ और देखो, अभी ये कर रही हैं, कल को कोई और करेगा, फिर कोई और, फिर फंसेगा साला कोई ना कोई लड़का, हर बार पे लड़का ही फंसेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं फेस आउट कर लिया, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, मैं झेल रहा हूँ ना, वो कोई और ना झेले, वो चीज़ और कोई ना झेले। ये बहुत ही मतलब गंदा फेस आउट है ये। मैं इसको एक्सपीरियंस किया ना, मैंने लिया ना इसको, इस वजह से मैं नहीं चाहूँगा कि कोई और भी फंसे। तो और मैं सबसे रिक्वेस्ट ये भी करूँगा कि त्रिशा को थोड़ा इम्प्रूव करो, उसको बोलो कि मेरे ऊपर FIR करो। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना कि वो किन के पास जाए, किन से मिले, कौन से अधिकारी से मिले, कुछ नहीं। नॉर्मल अपने अपने लोकल PS में जाके मेरे नाम पे FIR करो, फिर उसके बाद सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा किसने किया नहीं किया। वायरल हुआ जैसा मेरा वीडियो, सबने बड़े मज़े से देखा, ठीक है। तो भाई मैं सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो फिर देखो, और इस बार देखना भी मत, सिर्फ सुनो कि उसमें खुद वो कमिट करती हैं कि ये वीडियो मैं तुम्हें तक नहीं दूंगी। तो मैं वायरल कहाँ से करूँगा, दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा, कौन सच कौन झूठ, किसका पब्लिक स्टंट है, किसने इसको किसका किसका फ़ायदा उठाया, सब पता चल जाएगा। सारी बात सुनने और जानने के बाद साफ तौर पे ये जाहिर होता है कि अगर किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत होता है तो वो लड़की न्यायालय का दरवाजा खटखटाती है या पुलिस स्टेशन थाने जाती है अपने न्याय के लिए। और अगर त्रिशा कर मधु को ऐसा लगा कि उसका वीडियो शैंडी ने वायरल किया है, तो फिर अभी तक, इवन अभी तक 6 महीने होने को है लगभग, अभी तक उसने कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया। कुछ तो है जो इसके पीछे छुपा हुआ है जो अभी तक दर्शकों के बीच नहीं आ रहा। जहां तक बात सैंडी की है, जो कि उस वीडियो में उसके साथ मौजूद थे, क्या थी पूरी सच्चाई और क्या था घटना, क्या कुछ हुआ इनके साथ उसके बाद, ये सारी बातों को हमने साफ तौर पर रखने का कोशिश किया। साथ ही उस रिकॉर्डिंग में आप भी सुन सकते हैं क्या कुछ रिकॉर्डिंग में बातचीत हुई है, जिससे सारी चीज़ें नॉर्मली क्लियर हो जाएगी। ये है पूरी घटना। नॉर्मली लोग जब भी लड़कियों के साथ कुछ होता है तो ब्लेम लड़कों पर आता है। मैं भी कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी एक को जज नहीं करना चाहिए तब तक जब तक कि दोनों की बात ना जानी हो। मैं भी ये कहना, मैंने ये बात इसलिए जिक्र किया कि पिछले वीडियो में जब लास्ट टाइम मैं उनसे मिली थी और मैंने वीडियो बनाया था, मैंने उनके पक्ष में वीडियो बनाया था। जी हाँ, एक लड़की होने के नाते हमें ऐसा लगा कि उनका हेल्प करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें ट्रॉल कर रहे थे, तो मुझे लगा अगर वो सही है तो मैं उनका हेल्प करूंगी। लेकिन अब मैं एक बात और बोल रही हूँ, अगर वो गलत हैं तो फिर मैं सच्चाई का पूरा तह तक खुलासा करूंगी। ये इंटरव्यू देखने के बाद ना त्रिशा देखिएगा उसका स्टेटमेंट क्या आएगा, कि मैं फिर से काम करने लगी हूँ, मैं फिर से आगे बढ़ने लगी हूँ, तो मुझे नीचे गिराने के लिए ये सब साजिश कर रहा है। ये स्टेटमेंट उसका आएगा ही आएगा, आप मिला लेना जी। हो सकता है, वाकई जाहिर सी बात है कि ये इंटरव्यू देखने के बाद उनको भी ऐसा लगेगा, या फिर वो ऐसा बात बोल सकते हैं। देखना ये है कि इस मिस्ट्री में आगे क्या होता है और पूरी कहानी क्या है, क्या है त्रिशा कर मधु के पीछे का चेहरा, क्या वाकई जो चेहरा वो मीडिया के सामने और दर्शकों के सामने दिखाती है वाकई में वो चेहरा सच है, या फिर उसके पीछे का चेहरा कुछ और है। अगर जानना चाहते हैं, जानना बहुत रोचक होगा, जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ।